हेलो स्टूडेंट्स मैं दयाल चौधरी टीम सेल्सी टीम केमिस्ट्री आज अपन डायमंड टेस्ट सीरीज का पार्ट थर्ड यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट एट एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑफ एच एफ एच टू ओ एन एच थ्री कैन बी अरेंज इन फॉलोइंग ऑर्डर तो इनका बी का ऑर्डर बताना है तो आपको पता है इन दोनों में तो एच बॉन्ड होता है इसमें एच बॉन्ड नहीं होता तो सबसे कम तो किसका हो गया इसका इससे ज्यादा इन दोनों में इसमें वीक एच बॉन्ड होता है और इसमें स्ट्रोंग एच बॉन्ड होता है तो फिर आ गया अमोनिया और फिर आ गया एच एफ याद रखना अगर एच टू ओ भी होता तो एच टू ओ से स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड एच एफ के पास होता है लेकिन ये तो अकेला सिंगल मोलिक्यूल दो एच बॉन्ड बनाता है जबकि ये सिंगल मोलिक्यूल चार एच बॉन्ड बना सकता है इस वजह से इसका इससे भी ज़्यादा हो जाएगा अगर एच टू ओ होता तब की बात कर रहा हूँ मैं बाकी अपना सिक्वेंस तो ये हो गया तो आपका कौन सा आंसर यहाँ पे ठीक है फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एसिड ये ऑर्थोबरिक एसिड है इज हीटेड रेज अगर इसको हीट करेंगे तो एस टू निकल जाएगा बोरिक एन हाइड्रेड बन जाएगा बी टू ओ थ्री एस टू के मोलिक्यूल यहां से निकल जाएंगे नेक्स्ट बात करें बोरेक्स बीड केमिकली तो याद रखना जो एन ए टू बी फोर ओ सेवन बोरैक्स डॉट वही टेन एस टू है लेकिन मैं सीधा लिख रहा हूं इसको गर्म करेंगे तो सोडियम मेटाबोरेट बनता है और बी टू ओ थ्री और ये होता है जो आगे जाके क्या बनाएगा आपका बीड बनाएगा जैसे देखा जाए तो बी टेस्ट के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट होता है बेसिकली तो लेकिन यहां पे बात करें बीड केमिकली क्या होता है तो केमिकली ये कॉम्बो होता है फोर्थ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स तो बोरेक्स अपन ने देखा क्या है एन ए टू बी फोर ओ सेवन तो अगर इसका एक्वा सोल्यूशन मैं फिर कह रहा हूँ डॉट टेन एस टो क्रिस्टलाइन वोटर भी होता है इसके साथ लेकिन मैं सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूँ हर बार तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और एस थ्री बी ओ थ्री इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये तो बनाएगा एन एच जो कि क्या है स्ट्रॉन्ग बेस और साथ में बन जाएगा एस थ्री बी ओ थ्री जो कि क्या है वीक एसिड तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कॉम्बो होता है तो नेचर कैसी होगी बेसिक तो एक्वाज सोल्यूशन इसका बेसिक करेक्टर का होगा इनर्ट फॉर्म ऑफ कार्बन डायमंड है इनर्ट फॉर्म नेक्स्ट अपन बात करें सीओ फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड विद तो मेटलर्जी में अपन पढ़ते निकल होता है निकल उसमें इंप्योरिटी होती है तो वो इंप्योरिटी जो होती है निकल में वो भी नॉन वॉलेटाइल है इंप्योर है ये इंप्योर है ना तो इसमें ये खुद नॉन वॉलेटाइल है इम्प्योरिटी भी नॉन वॉलेटाइल है ऐसे में बाहर से एक सब्सटेंस मिला दिया जाता है लो टेम्परेचर और तीन सौ तीन से 350 के पचास की नियर बाई इसका टेम्परेचर होता है कैलविन में तो ये बनता है एन आई सी ओ फोर ये एक वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स हो गया यार इसको हाई टेम्परेचर देंगे लगभग आपका हाई टेम्परेचर आ जाएगा 450 से 470 सौ सत्तर की नियर बाई कैलविन तो ये टूट जाएगा वापस निकल और फोर सी हो तो इंप्योरिटी तो यहीं रहेगी और ये आपका कैसा आ जाएगा मंड प्रोसेस बोलते हैं इसके निकल के प्यूरिफिकेशन के तो आपका आंसर यहाँ क्या रहेगा निकल नेक्स्ट बात करें एलिमेंट ऑफ फोर्थ ग्रुप फोर्थ ग्रुप वालों की बात करें तो फोर्टीन सॉरी फोर्टीन ग्रुप तो फोर्टीन ग्रुप बोले तो आपके कार्बन पे मिली है कार्बन पे मिली है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एन एस तो देखो अगर सिर्फ पी इन्वॉल्व होता है तो ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे और अगर ये भी हो गया, तो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट रखना मैं की बात कर रहा हूं। की बात यहां नहीं कर रहा हूं तो आपका गलत क्योंकि मैं आयन की बात नहीं कर रहा सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा विच ऑफ लीस्ट स्टेबल एंड हैज डाउटफुल एग्जिस्टेंस देखो ये सब एग्जिस्ट कर जाएंगे लेकिन यहां पर ये यह एग्जिस्ट नहीं करेगा आईपीई की वजह से जो पीबी फोर प्लस होता है इससे ज्यादा स्टेबिलिटी पीबी बी टू प्लस की होती है और पीबी बी टू प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये आपका काम करता है किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और आयोडाइड आपका क्या है रिडीजिंग एजेंट तो ये टूट जाएगा किसमें पी बी आई टू और में क्लियर तो ऐसे में आपका कौन सा एग्जिस्टेंस नहीं करेगा डाउटफुल रहेगा फोर्थ याद रखना लेड में फोर भी डाउटफुलवाइव कर जाता है पीबी बी आर फोर भी थोड़ा डाउटफुल है हालांकि रूम टेम्परेचर पे ये सर्वाइव कर जाएगा लेकिन डाउटफुल कैसे है अगर इसको थोड़ा सा वार्म करेंगे तो भी यह टूट जाएगा क्लियर नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट एस आई एप टू सिक्स इज नॉ नॉन बट एस आई सी एल सिक्स टू माइनस इज नॉट देखो यहाँ पे क्या होगा क्लोरीन लार्ज साइज का होता है तो क्लोराइड क्या करेगा इसके वैकेंट डी के साथ यहाँ पर ओवरलेपिंग नहीं कर पाएगा वीकली अट्रैक्ट रहेगा ऐसे में ये एग्जिस्ट नहीं करता जबकि यहाँ पर जो लोन पेयर आएगा इसके वैकेंट डी में जाएगा फ्लोराइड से तो साइज़ दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर सी है ऐसे में यहाँ इफेक्टिवली ओवरलैपिंग होगी इस वजह से यह सर्वाइव कर जाएगा तो ये रहा साइज ऑफ फ्लोरिन इज ए स्मॉल एंड लॉन् पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्ट विद डी ऑफ और्ट्रॉन्गली सही बात है बिल्कुल आप ये भी कह सकते थे अगर क्लोरीन के रेस्पेक्ट में मैं बोलता तो मैं यूं कह सकता था कि लार्ज साइज की वजह से क्लोराइड की ये स्ट्रॉन्गली इंट्रैक्ट नहीं कर पाता है डी ऑरबाइटल से इसलिए भी ये एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे ये भी सही है ये भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका हो जाएगा तो यहां पे आ गया स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें पेन तो ये आ गया परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट देखो सिंपल जो गैसेज मोलिक्यूल है जैसे एन ओ टू एस ओ टू वगैरह ये आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट है और प्राइमरी से मिलकर के आपके बनते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट तो ये आपका कौन सा होगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट यह माना जाएगा नेक्स्ट ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमोसफेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाई तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर फ्रीज वगैरह से जो गैस निकलती है फ्री उसके उसकी वजह से ये डिप्लेशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एसिड रेन आर प्रोड्यूस्ड बाई एसिडिक रेन किससे होगी तो याद रखना NO2 और SO2 अगर एनवायरमेंट में मिल गए तो ये दोनों ही पानी से रिएक्शन करेंगे ये एच एन बनाएगा और ये एस टू एस ओ ध्यान देना यहाँ पे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की बात की है सल्फ्यूरस एसिड की बात नहीं की है ये दोनों जब बन जाएंगे इस वजह से रेन वाटर की जो पी होगी वो लेस देन फाइव हो जाएगी तो ऐसे में उसको अपन क्या बोल देंगे एसिड रेन बोल देंगे तो एक्सेस ऑफ एन एंड एसो टू फॉर्म बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा फोर्थ चला जाएगा गैस रेस्पॉन्बल फॉर बोफाल ये आपको याद रखना है जो हो थे, वो मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुई थी ठीक है इसको याद रखना पड़ेगा आपको एनवायरमेंटल में मिल जाएगा आपको ये इसके अलावा आपको ये पी ब्लॉक में भी मिल जाएगा ठीक है एरोसोल ऑफ जेट एयरलाइनर जेट एयरलाइन करना है इसको जेट एयरलाइन क्लियर अपन बात करें करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी तो देखो डेंसिटी डाउन दी ग्रुप इंक्रीज होती है क्यों डाउन दी ग्रुप मास भी इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है लेकिन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मास मच ग्रेटर देन इंक्रीज मास में इंक्रीमेंट ज्यादा होता है इस वजह से डेंसिटी रेज होगी लेकिन थोड़ा यहां लफड़ा है लिथियम सोडियम और पोटेशियम की मैं बात करूं तो होना तो यू चाहिए लेकिन यह गलत है इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी क्यों हो जाएगी कम इसका तो देखो कॉन्फिग्रेशन क्या है थ्री एस वन तो आगे साइज ही देखी जाएगी लेकिन इसमें क्या होगा थ्री डी जीरो फोर एस वन मतलब अंदर वेकेंट डी यहाँ पे भी डी वेकेंट है लेकिन लास्ट में ये थ्री पी ये बाद में है वेकेंट लेकिन यहाँ पे इनर इनर डी यहाँ पर क्या है वेकेंट है इस वजह से साइज अब नॉर्मली बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी तो याद रखना सबसे कम तो होगा लिथियम का लिथियम से ज़्यादा पोटेशियम पोटेशियम से ज़्यादा सोडियम और यही वेरिएशन आपको उसमें देखने को मिलता है जो मैग्नीशियम है वो उसका ज़्यादा हो जाएगा कैल्शियम से और इवन याद रखना बेरिलियम का तो मैग्नीशियम से भी ज़्यादा हो जाता है क्लोज पैकिंग की वजह से ये डेंसिटी का ऑर्डर रहेगा जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो इसके अलावा और कंफ्यूज होने वाला कार्बन और सिलिकन का होता है नीचे जाने पर रेज होते हैं पर कार्बन का ज़्यादा रहेगा सिलिकन से आई होप आपको ये काम में आएंगे इसको थोड़ा ध्यान दे लेना ठीक है वन मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड तो वन मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लो तो एम जी थ्री एन टू अगर इसको हाइड्रोलाइज आप करवाते हो तो क्या बनाएगा थ्री एम जी ओ एच टू प्लस टू एन एच थ्री दो मोल अमोनिया बनने वाली है तो टू मोल ऑफ अमोनिया अगर इसका वन मोल लेके आप है, चलते हैं तो नेक्स्ट इन सॉलिड हाइड्रोजन द इंटर मोलिकुलर बॉन्डिंग इज सॉलिड हाइड्रोजन में इंटर बोला है इसने कहने का मतलब ये एस टू मोलिक्यूल है ये दूसरा एस टू मोलिक्यूल है इंटर मोलिकुलर बॉन्ड तो ये हो गया ये कौन सा बॉन्ड होता है वोवाल फोर्स तो सेकेंड आ जाएगा यहां और अगर इंट्रा बोलता तो ऐसे में एच एच के बीच की बात करता तो आंसर कोवेलेंट हो जाता खैर ये सॉलिड में वाल फोर्स की वजह से पैक होके आता है इंटर की इसीलिए बात की है च वन ऑफ द फॉलोइंग रिमूव टेंपर हार्डनेस ऑफ वाटर टेंप्रेरी हार्डनेस को हटाने के लिए आप लाइम वाटर मिला दो सेलेक्ट लाइम मिला दो या क्विक लाइम भी आप मिला सकते हैं तो यहां पर आपका आ जाएगा सिलेक्ट लाइम टेंप्रेरी हार्डनेस किस वजह से होती है जैसे बायकार्बोनेट सोल्ट की वजह से होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर आप इसमें सेलेक्ट लाइम मिला दो कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने यहाँ पे मिला दिया तो यह क्या करेगा सी ए सी ओ थ्री पी पी टी के फॉर्म में बैठ जाएगा तो हो गई टेम्प्रेरी हार्डनेस दूर या बॉयल कर दो बॉयल करोगे तो भी यही बनना है सी ओ बॉयल करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा सी ओ टू बन जाएगा एस टू तो ये तो गैस है हट जाएगी ये पानी मिल ही गया और ये पी पी टी के फॉर्म में बैठ जाएगा तो टेम्प्रेरी हार्डनेस को दूर करने के या तो बॉइलिंग कर दो या फिर लाइम मिला दो सिलेक्ट लाइम मिला दो या आप कह सकते हैं क्विक लाइम यहाँ मिलाया जा सकता है तो ये आपका ही है इसको क्लार्क मेथड बोला जाता है राइट क्रिमसन रेड तो ये फ्लेम टेस्ट है आपको याद रखना पड़ेगा तो इनमें से क्रिमसम रेड किसका होगा Estroncium का देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम तो फ्लेम टेस्ट देते ही नहीं है ये पोटेशियम वॉयलेट कलर की देता है लेकिन यहां तो क्या बोला है क्रिमसन रेड बोला है क्रिमसन रेड कौन देगा इस्ट्रॉनशियम और लिथियम दो ही देते हैं क्रिमसन रेड स्ट्रॉनशियम और लिथियम कैल्शियम ब्रिक रेड दे देता है या फिर जैसे बेरियम की बात करें एप्पल ग्रीन दे देता है ए, सोडियम की बात करें तो आपके यहाँ पे गोल्डन येलो टाइप की मिल जाएगी पोटेशियम की बात करें वॉयलेट मिल जाता है रूबीडियम रेड वोयलेट मिल जाता है सीजियम की बात करें तो पानी ब्लू है समझ रहे हो मतलब ब्लू कलर आ जाएगा ब्लू कलर की फ्लेम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज इन एक्वस सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन में अगर केटाइन की बात करें तो बिकम्स लार्जेस्ट ड्यू टू तो हाइड्रेशन एनर्जी तो सबसे छोटा आयन कौन है लिथियम इनमें से तो एक्वस मीडियम ये सबसे लार्ज हो जाएगा नेक्स्ट अपन बात करें सोडियम बर्न इन एक्सेस ऑफ प्योर ऑक्सीजन टू सोडियम को अगर एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो याद रखना एल्कलाई मेटल्स को जब भी एक्सेस ऑक्सीजन की परजेंस में बर्न किया जाता है तो वो प्रोक्साइड और सुप्रोक्साइड बनाते हैं जिसमें लिथियम तो ऑक्साइड बनाता है लेकिन अपने एन में एक स्टेटमेंट दे रखा है कि लिथियम स्मॉल अमाउंट में प्रोक्साइड भी बना लेता है हालांकि उसको डिटेक्ट नहीं किया गया फिर सोडियम की बात करें तो सोडियम मेजरली बनाता है प्रोक्साइड लेकिन बहुत कम अमाउंट के अंदर वो सुप्रोक्साइड भी बना सकता है जिस वजह से सैम्पल का कलर येलो हो जाता है पोटेशियम रूबीडियम सीजियम ये सारे सुप्रोक्साइड बनाते हैं याद रखना जो सुप्रोक्साइड बना सकता है वो प्रोक्साइड भी बना सकता है और ऑक्साइड भी बना सकता है खैर एक्सेस ऑटोमेट के यार सोडियम की बात की बात है तो आप किसके साथ जाओगे यहाँ क्लियर प्रोक्साइड बनाएगा द रॉ मेटेरियल यूज इन सोलवे प्रोसेस तो लाइम स्टोन यूज होता है अमोनिया यूज होती है ब्राइन सोल्यूशन यूज होता है मतलब के लिए और रॉ मटेरियल के अलावा यह पूछ लेता है रिसाइकिल किसका होता है तो याद रखना रिसाइकिल में अमोनिया होती है और सी ओ टू इसका रिसाइकिल होता है बाई प्रोडक्ट पूछ लेता है तो वो कैल्शियम क्लोराइड होता है बाई प्रोडक्ट इसके अलावा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पूछ सकता है तो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है मेजर प्रोडक्ट पूछ सकता है तो एन ए टू सी ओ थ्री हो सकता है और एन ए एच सी ओ थ्री ये मेजर प्रोडक्ट है खैर अपना रॉ मटेरियल था फोर्थ आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अपन बात करें वॉट आर द प्रोडक्ट ऑफ थर्मल ऑफ इनका थर्मल डीकोजिशन करें ये मैग्नीशियम नाइट्रेट ये टूटेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा NO2 देगा और O2 देगा तो एक तो ये आ गया ये लीथ हमेशा सेकंड के अनुसार ही टूटता है ऑक्साइड बनाएगा NO2 बनाएगा और O2 सोडियम पोटेशियम रूबीडियम और सीजियम अगर ये करेंगे तो ये नाइट्रेट से नाइट्राइट बना लेते हैं और ओ देते हैं तो आपका कौन सा आ जाएगा ऑक्साइड हो गया दो खेतों ये ऑक्साइड हो गया यार ये नाइट्राइट हो गया कौन सा आंसर आ जाएगा फोर्थ नेक्स्ट की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग केटाइन हैव लोअर पोलराइजिंग पावर देन सोडियम तो पोलराइजिंग पावर साइज के इनवर्सली चलती है तो देख लो सोडियम से बड़ा कौन है पोटेशियम हो जाएगा तो पोटेशियम की होगी दी ऑर्डर ऑफ बेसिक ऑफ गिवन ऑक्साइड याद रखना एल टू आर चलते हैं पर बेसिक करेक्टर जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो डिक्रीज होते हैं और डाउन द ग्रुप रेज होते हैं तो सबसे ज्यादा सोडियम फिर मैग्नीशियम सही है बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी भी इसकी बढ़ती है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी फिर ये सही है ये एम होता है इसलिए लास्ट में रख दो तो आपका फर्स्ट ही यहां पे सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात करें यहां कह रहा है ए बी सी एंड डी आर मेंबर ऑफ सेम ग्रुप ए की ग्रुप के हैं इट्स एटॉमिक नंबर इज ठीक है इनको आइडेंटिफाई करते हैं पहले तो सी जेड की वैल्यू क्या दी है इलेवन तो इलेवन इसका मतलब सी तो आपका हो गया सोडियम क्योंकि जेड की वैल्यू इलेवन आ गई ना ये लो फिर जेड माइनस एक्स एक्स क्या है एट तो इलेवन में से एट गया तो क्या आ गया थ्री तो आपका ए वो हो गया लीथियम डन फिर आपका कौन सा आ गया जेड प्लस एक्स डी तो इलेवन में एड जोड़ दो नाइनटीन ये आ गया नाइनटीन तो ये आपका आ गया डी बी आपका क्या हो गया तो वही इलेवन और ये कितना है ए टू जैसटीन तो ये आ गया थर्टी थर्टी फाइव और टू जोड़ दो थर्टी सेवन तो बी आपका आ गया रुबीडियम जो आता है थर्टी सेवन पे अब पूछा क्या है वो देखो वही बेसिक नेचर पूछिए नीचे जाने पर बेसिक नेचर रेज होगी तो ये लो ए से ज्यादा सी की सी से ज्यादा डी की डी से ज्यादा बी की तो सबसे ज्यादा तो बी की कौन सा ऑप्शन है बी फिर डी फिर सी फिर ये तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए, थर्ड सॉरी थर्ड आंसर आपका यहां आ जाएगा नेक्स्ट दी ओ, ए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस आपको पता है लेंथ एनोड सीरीज में साइज डिक्रीज होगी तो यहां पे देख लो लेंथ एनम की तो सबसे ज्यादा होगी फिर सीरियम हो गया फिर पीएम हो गया फिर वाई हो गया फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैच करने हैं कॉलम को तो देख लेते हैं स्ट्रोंगेस्ट रिडक्टेंट कौन है तो आयोडाइड तो इसके तो मैच हो गया डी फिल डी और वाइटल किसके पास है क्रोमियम के पास होता है याद करो थ्री डी फाइव तो बी के मैच हो गया सी कोइनेज मेटल कौन है गोल्ड तो इसके मैच हो गया ए लेंथेनोइड कौन है सीरियम इसके मैच हो गया बी तो डी सी ए बी डी सी ए बी फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट फर्स्ट आई ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देखो ऑक्सीजन यहाँ है नाइट्रोजन यहाँ है लेकिन ये है टू पी थ्री और ये है टू पी फोर तो एट है दोनों क्योंकि ये सेवन सोनर ये एट और आपको पता है हाफ फील्ड की आइनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो नाइट्रोजन वाला डेटा बढ़ा होना चाहिए नाइट्रोजन बाद में है। बाद का डेटा बढ़ा होना चाहिए पहले का डेटा स्मॉल होना चाहिए फर्स्ट आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव isoelectronic इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन काउंट कर हैं यार देखो इसके पास फोर्टीन है ये कितने हो गए थे थर्टीन सिक्स और सेवन थर्टीन एक गेन कर लिया फोर्टीन ट्वेल्व है और टू फोर्टीन और ये फिफ्टीन थे एक निकाल दिया फोर्टीन तो आईसो इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ही आ गई नेक्स्ट इफ द डिफरेंस इन एटोमिक साइज तो एटोमिक साइज में डिफरेंस की बात करें चाहे इधर चलें एल टू आर चाहे डाउन द ग्रुप साइज का डिफरेंस कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है तो एक्स वाई जेड याद आएगा विच ऑफ फॉलोइंग इज़ करेक्ट ऑफ आयनिक मोबिलिटी एक्वास मीडियम में तो जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाएगा और आयनिक मोबिलिटी जो होती है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चलती है साइज तो ये तो सबसे बड़ा हो गया तो सबसे कम मोबिलिटी देगा तो सबसे कम तो इसकी होगी ये आ गया आपका क्लियर क्योंकि ये जो सबसे लार्ज था एक्वस में सबसे स्मॉल हो गया स्मॉल हो गया तो इसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट हैव शुडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेसन देखो इसके पास शुडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन होगा क्यों इसका देख लो चाहे नियोन तक तो सेम है फिर थ्री डी थ्री एस टू थ्री पी सिक्स और थ्री डी टेन जोड़ लो कितने हो गए एटीन ऐसे ही आप सबका चेक कर लो इसका नहीं होगा ये इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन देता है, इसके इंडियम, क्योंकि तीन निकालते है आर्गन बन जाना है, तो है साइड एटम सारे सेम है इसका भी है साइड एटम सारे सेम है कोई पेयर नहीं इसका भी जीरो हो गया, लीनियर हो गया तो यहां पे डाइपोल मोमेंट सिर्फ कौन रखेगा ये या तो पेयर आ जाए या टर्मिनल एटम डिफरेंट हो तो उसका डाइपोल आता है सेक्शन बी की बात करते हैं विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो एमओटी अप्लाई करके देखनी है एम से पता चलेगा इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो हाई ऑफ एमओटी तो सबको आती होगी फिर भी चलो ओ का लिख देता हूं मैं सिग्मा वन एस टू सिग्मा वन एस स्टार टू सिग्मा टू एस टू सिग्मा एस टू सिग्मा एस स्टार टू सिग्मा टू पी जेड टू पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई टू टू फिर पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई स्टार स्टार वन वन तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो और टू प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो अनपेड एक ही बचेगा इसके पास अनपेड वन है एक गेन करवा दो तो यहां दो जाएगा दो होते ही तो फिर अनपेड कितना बचेगा एक बचेगा दो गेन करवा दोगे तो अनपेड कितना बच जाएगा जीरो बच जाएगा तो यहाँ पे अनपेड सबसे ज्यादा किसके पास है डाई ऑक्सीजन के पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मोलिक्यूल देख लो किसका ऑक्टेट पूरा नहीं है ये रहा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड है याद रखना इफ डाइमर और पॉलीमर फॉर्म बाई ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड देन ऑक्टेट रूल ऑलवेज फेल अगर डायमर और पॉलीमर ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड से बनता है तो ऑक्टेट रूल हमेशा फैल रहेगा वहाँ एंड मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा बात करें तो इलेक्ट्रॉन न्यून होगा कहने का मतलब उसके जो सेंट्रल एटम है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन आने वाला है कंबाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं वो लेस देन एट आने वाले हैं तो आपका कौन सा आ जाएगा थर्ड नेक्स्ट

और ये आपका पोलर समझ गए होंगे पोलर कैसे हुआ ये लो जबकि ये तो नॉन पोलर होना है ही डन नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग एग्जिबिट्स वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन देने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स देखो इसमें एच बॉन्ड होगा इसमें एच बॉन्ड होगा इसमें एच बॉन्ड नहीं होगा सॉरी आई एम सोरी यहां इन दोनों में एच बॉन्ड है तो ये तो हो गए छोड़ो नहीं हो सकते अभी इसके लिए तो म्यू नॉट जीरो और इसके लिए म्यू जीरो तो रियल वांडर वाल फोर्स तो तो यही है ना बॉन्ड तो फिर भी आपका केम बॉन्ड आ जाएगा डायपोल डायपोल तो सबसे वीक इंट्रेक्शन आपको यहां देखने को मिलेगा इंटरमोलिकुलर बोला है अलग अलग मोलिक्यूल के बीच 190 का क्वेश्चन देखते हैं दोमेंट ऑफ एच बी आर आपको ऑब्जर्वर दे रखा है तो आपको बताया परसेंटेज आए नहीं करेक्टर कैसे निकालते हैं म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू थियोरटिकल इंटू हंड्रेड तो म्यू ऑब्जर्वर कितना देस इंटू टेन पावर माइनस थर्टी कुलाम इंटू मीटर है तो ये वन पॉइंट सिक्स क्योंकि म्यू थियोरिकल क्या आएगा क्यू इंटू डी तो क्यूँ तो क्या रख रहे हैं वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन माइनस नाइनटीन में ही आ गया ये मीटर में होनी चाहिए तो मीटर में बदल आएंगे स्ट्रॉगो टू टेन द पावर माइनस टेन क्लियर इंटू हंड्रेड तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया ये माइनस का वन और बच गया तो ये भी हट जाएगा तो टेन परसेंट नेक्स्ट विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट तो देखो सी एच थ्री सी एल सी एच थ्री एफ और सी एस थ्री बी आर यह दिया है आपको तो यहाँ पे क्या होगा सबसे ज्यादा ई एन डिफरेंस ये है तो ये होना चाहिए लेकिन डाइपोल मोमेंट सिर्फ ई एन डिफरेंस से थोड़ा देखा जाता है क्यू इन टू डी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड लेंथ और चार्ज का जो प्रोडक्ट है इसके लिए ज़्यादा आएगा तो ये यह, यहाँ पे ये यह ना हो कि ये पीछे शिफ्ट होगा तो सबसे ज़्यादा तो सी एच थ्री सी एल होगा इससे कम सी एच थ्री एप होगा और सबसे कम सी एच थ्री बी आर होगा तो आपका सेकेंड आंसर यहाँ पे चला जाएगा ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लेना नेक्स्ट व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन फॉलोइंग कंपाउंड तो ये लो आप इसको सिंपली लिख के देख लो एम फिर आगे और धरने दो गए ये सब सिग्मा काउंट करो हर के पास एक सिग्मा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन नाइनटीन तो हो गए सिग्मा तो नाइनटीन के दो ऑप्शन है तो ये दो तो गए समझ रहे हो ये दो ऑप्शन आ गए नाइनटीन में ये दो गए पाई काउंट करो दो पाई तो ये रे टू टू फोर एक पाई यहाँ पर है ये रे दो पाई मान लो इनको ये दो पाई हो गई टू टू फोर ये आ गया फाइव फिर चलो सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा फर्स्ट विच ऑफ दी फॉलोइंग दैपिंग इज इनकरेक्ट देखो अगर जेड मेन एक्सिस है तो पीएक्स पी एक्स पी पाई बनाएगा और पी वाई पी वाई भी पाई बनाएगा तो ये सही है जेड मेन एक्सिस है तो 100 परसेंट पी जेड पी जेड आप किसी को बनाएंगे ये भी सही है टू पी एक्स टू पी एक्स पाई टू हाँ बता दिया ये पाई बनाई ये लो एस कभी पाई बना ही नहीं सकता किसी के साथ भी ये वाला इनकरेक्ट हो गया तो आंसर क्या आएगा फोर्थ बाकी ये तीन तो सही है आपको इनकरेक्ट ढूंढना था ये देखो तो इनकरेक्ट कौन सा है फोर्थ नेक्स्ट रिएक्ट विद वॉटर फॉरिंग प्रोपाइन तो इसकी बात कर रहे हैं तो इसके स्ट्रक्चर देख लो दो, तो है, दो पाई है नेक्स्ट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ट्राइ सिली एमीन इट्स प्लेनर हालांकि इसको कंप्लीटली करना पड़ेगा इट्स जियोमेट्री इज प्लेनर जियोमेट्री प्लेनर होगी इसमें क्यों एन एस आई एच थ्री एस आई एच थ्री और एस आई एच थ्री तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग आ जाएगी इसके पास वेकेंट डी है इसके पास लॉन पेयर है याद रखना बैक बाउंडिंग कहाँ होती है अगर एक के पास वैकेंट और बाइटल हो और दूसरे के पास आपका लॉन पेयर हो तो बैक बाउंडिंग हो सकती है लेकिन दूसरी कंडीशन भी पूरी होना जरूरी है एक आइटम आपका सेकेंड पीरियड का होना चाहिए दूसरा सेकेंड का या थर्ड का होना चाहिए तो दोनों कंडीशन पूरी होगी लॉन पेयर रख रहा है वैकेंट है सेकेंड का है थर्ड पीरियड का है तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगी तो लॉन पेयर बैक बॉन्डिंग में कंज्यूम हो गया इस वजह से उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू ही रहेगा तो जियोमेट्री आपकी कैसी आ जाएगी प्लेनर तो आपको यहाँ क्या पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट यही आ जाएगा लीनियर हो नहीं सकता वन लॉन्न पेयर ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट बैक बॉन्डिंग में ये तो पार्टिसिपेट हो रहा है और इट हैव नाइन सिग्मा बॉन्ड नाइन ही कैसे होंगे थ्री थ्री सिक्स और थ्री नाइन तो यही हो गए उसके बाद में तीन सिग्मा ये आ गए तो कितने होंगे 12 है yeah. ये हालांकि इसके लिए इट्स प्लेनर जियोमेट्री और होना चाहिए था साथ बाकी इनके रेस्पेक्ट में अब इसी को साथ जाएंगे सही में विच इज द करेक्ट ऑर्डर ओ ओ एम ओ टी लगाओ भाई ये जे में पूछा हुआ सवाल भी है ओ टू ओ माइनस ये होगा ना और ये है ओ टू प्लस तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो तो बॉन्ड ऑर्डर इसका तो है टू इसका 1.5 इसका 2.5 और बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर से उल्टा चलती है तो सबसे बड़ा बॉन्ड तो आएगा के ओटू का बॉन्ड लेंथ ही लेना के ओ टू और ये कहा ऑटो का फिर का सबसे शॉर्ट यहां आएगा सेकेंड आंसर चला जाएगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर थर्मल स्टेबिलिटी तो ये देखो पोलियाटोमिक एनाइनर पोलियाटोमिक नाइन कंबाइन हो तो बड़ा बड़े के साथ स्टेबल मतलब जो टी एस होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक पोटेंशियल आयनिक पोटेंशियल आपका क्या हो गया चार्ज अपॉन साइज तो जिसकी साइज बड़ी है उसकी टीएस ज़्यादा है तो यहाँ सबसे साइज में बड़ा कौन है पोटेशियम तो ये मोर थर्मल स्टेबल हो गया नेक्स्ट मैचिंग करना है एन ओ टू प्लस एस पी हाइबर्डाइजेशन है तो लीनियर हो गया लीनियर हो गया तो 180 का एंगल आएगा सही है पैच है एन ओ टू एस पी टू हाइबरडाइजेशन है ये लेकिन एक अनपेड है इसका रिपल्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है ओर्ड नंबर का है तो ये रिपल्सन ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा हालांकि ये वन दे रखा है वन डेटा दे रखा है अपने एन में खैर ये इससे मैच हो जाएगा तो फर्स्ट सेकेंड और ऐसा एक ही है लेकिन फिर भी आगे चले अपन बात करें एन ओ थ्री तो रेगुलर जियोमेट्री आ जाएगी इसमें तो कोई लपड़ा ही नहीं है एस पी टू एबर्टाइजेशन है तो ये बॉन्ड एंगल आ जाएगा वन ट्वेंटी का फिर आपका एन ओ टू माइनस इसका एवर्टाइजेशन है एस पी टू ही है लेकिन एक लोन पेयर आने से थोड़ा दब जाएगा बॉन्ड एंगल किसके साथ चला जाएगा ये इसके साथ क्लियर वन जीरो नाइन तो एस पी थ्री होता तब आता नेक्स्ट फिर वही मैच कॉलम तो आ जाइए इसका एडवरटाइजेशन क्या है एस पी टू बैक बॉन्डिंग हो नहीं सकती तो ये ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा ये ये तो हो गया अब इसमें क्या करें? तो यह एन एच फोर प्लस सी एल माइनस यू बनेगा इसमें एडवर्टाइजेशन एस पी थ्री टेट्राइडल जियोमेट्री आ गई तो ये मैच हो गया टेट्राइडल से ये आ जाएगा थर्ड तो फोर्थ थर्ड ये मैच हो गया फिर भी आगे चलते हैं आई सी एल फोर सेवन सेवन और फोर इलेवन इलेवन और वन ट्वेल्व है तो एस पी थ्री डी टू मतलब एस पी थ्री डी टू ऑक्टाइडल होना चाहिए था लेकिन दो लोन पेयर हैं इसमें इसलिए ये किस में चला जाएगा स्क्वायर प्लेनर के साथ या फर्स्ट से मैच हो जाएगा और ये आपका एस पी थ्री डी तो ये आ गया ट्राइगोनल बाई ये सेकेंड नेक्स्ट यही आपका ए सी एन में बताने हैं सिग्मा और पाई लो कोई लपड़ाई नहीं दो सिग्मा है दो पाई है आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा पेपर बिल्कुल सिंपल था एन सी आर टी बेस्ड पेपर था और आई होप आपका पूरा एंटायर चैप्टर इसमें रिवाइज हुआ होगा फिर भी आपके और डायमंड के साथ जुड़ रही है आपको ऐसे सोल्यूशन मिलते रहेंगे ओके थैंक यू जय सी एल